And good evening, everyone. Good evening, sir. Just a second. Please, everyone, switch on your cameras and take out your books. मैंने कल का होमवर्क कुछ एलएमएस पे अपलोड कर दिया था मैथ्स का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी अपलोड करने में? नो सर, ठीक था। सर, ये कक्षा ने बनाया है पूरा एलएमएस का जो वेबसाइट है? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? नहीं सर, बहुत बढ़िया बनाया आपने। किसी जमाने में मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैसे मैंने नहीं बनाया, देयर इज अ टीम हु डज दैट। यहाँ पर अच्छा बनाया, वी हैव थॉट ऑफ ऑल द थिंग्स कि कौन सा कहाँ पे क्या है। एनीवेज, चलो, गुड दैट यू लाइक इट। अब इसको यूज करना अच्छे से, पूरे साल का एक जगह रहेगा तो तुम लोग कभी भी रिवाइज कर पाओगे, सारा सारे वीडियोस एक जगह रहेंगे, सारे असाइनमेंट्स एक जगह रहेंगे। तो अभी जो व्हाट्सएप में खो जाता था, थोड़े दिन बाद व्हाट्सएप मतलब भर जाता है तो आदमी डिलीट ही कर देता है। तो यू विल हैव एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड डेट वाइज, एटलीस्ट इन माय सब्जेक्ट्स। सो आई एम वेरी रेगुलरली अपडेटिंग, अदर्स विल टेक सम टाइम टू यू नो लर्न एंड एवरीथिंग, बट या एवरीवन विल बी डूइंग इट इवेंचुअली। ओके, आज हम लोग को नया चैप्टर शुरू करना था ना, मशीन्स। मैंने देखा था तुम लोग के वो जो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स थे उसमें मशीन्स एक तीसरा चैप्टर है जो कि इसमें तो नहीं आ रहा है, मतलब अपने जो यूटीज में है उसमें सिलेबस में नहीं था, लेकिन अप्रैल मई के सिलेबस में ये चैप्टर है। और ऐसे भी फिर वो हमारा पूरा यूनिट हो जाएगा ना, कोर्स वाला जो पूरा यूनिट है फर्स्ट वाला, वो पूरा यूनिट हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, राइट? फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी और मशीन्स। स्कूल से कुछ अभी तो खुला नहीं होगा मेरे ख्याल से, सेवेंथ से खुल रहा है? यस सर, यस यस सर। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट देन। सो वील स्टार्ट विद द चैप्टर। तो आज हम लोग बेसिक्स ही करेंगे, तो आई जस्ट ओपन अप द स्लाइड्स ऑल्सो सो दैट व्हेन वी हैव टू राइट समथिंग वी कैन डू इट हियर। So machines, as we know, basically it is a device which makes our life easier, right? Which makes, which helps us do our work easy, right? So तुम लोगों ने simple machine अपने junior classes में भी पढ़ा था, है ना, पढ़ा होगा। So what are machines? It is our common experience that it is easier to open a nut by the use of a wrench than to open it by hand. तो अगर जो हमारा there is some nut, wrench मतलब एक नट जैसा चीज होता है, उसको आप हैंड से खोलना चाहो, और अगर आप जो मशीन है उससे अगर wrench से आप खोलना चाहो तो with the use of a wrench you can open the nut easily as compared to with hands. Similarly it is difficult to pull up a bucket of water directly from a well, मतलब पानी से भरा हुआ
बाल्टी अगर हमें वेल से बाहर निकालना है नीचे से ऊपर तो ज्यादा फोर्स लगता है, अगर हम पुली का यूज करते हैं तो उससे क्या है डायरेक्शन चेंज हो जाता है फोर्स का एंड इट इज इजियर टू पुल द बकेट ना, बट इट बिकम्स मच इजियर टू पुल इट अप विद द यूज ऑफ अ पुली. सो इट इज डिफिकल्ट टू शिफ्ट अ हैवी ब्लॉक बाय पुशिंग इट, बट इट बिकम्स इजियर टू शिफ्ट इट बाय यूजिंग अ क्रो बार. क्रो बार एक ऐसा डिवाइस होता है. सो लेट्स से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. So, कोई एक हैवी लोड है, इस हैवी लोड को अगर हमें मूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक क्रो बार जैसा चीज लगा देंगे और इसको लगाने के बाद इसको जब हम लोग पुश करेंगे ऐसे तो ये भी टर्न होके आगे की तरफ मूव कर जाए, राइट. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज क्रो बार. सो विद द हेल्प ऑफ अ क्रो बार दिस कैन बी डन वेरी इजिली. सो यू नो एग्जाम्पल्स लाइक दीज we can find many examples, such examples in our daily life, where the use of a machine such as the wrench, pulley or crowbar makes the job easier, right. So as we said, water machines, it makes our work easier. Functions and use of a simple machine, the various functions of machines are useful to us in the following four ways. So four ways simple machine is useful to us. So first is in lifting a heavy load by applying less effort, that is as a force multiplier. मतलब कम effort लग के ज़्यादा load को अगर हम उठा सकें, so that is known as force multiplier, right? तो तुम grandmother के chair पे तुम क्यों बैठ गए हो और ऐसे ऐसे बिल्कुल घूम रहे हो, हाँ? तुमने grandparents का chair छीन लिया है? ज़्यादा comfortable है. नानी को क्या बोला घूमिए थोड़ी देर? नहीं सर ये यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ रहता तो कोई यूज नहीं करता तो मैंने लगा के टेबल के साइड में. बहुत अच्छा, यूज तो होगा कम से कम, वेरी गुड. हाँ सर मैंने कहा यूज तो होगा कम से कम, वेरी गुड. ओके सो द वेरियस फंक्शंस ऑफ मशीन्स आर यूजफुल टू अस इन फॉलोइंग फोर वेज. पहला एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. फोर्स मल्टीप्लायर क्या करता है, कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को अगर हम उठा सकें दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर. जैसे कि कार जैक्स होते हैं, है ना, तो जब हमारा हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो हम लोग हमारे पेरेंट्स को आपने देखा होगा या फिर वो मैकेनिक को आपने देखा होगा कि वो जैक लगाता है और जैक से गाड़ी को उठा देता है, राइट. और उसके बाद हम लोग फिर वो पंचर वाला टायर बाहर निकालते हैं. तो वहां पे क्या है लेस एफर्ट, भाई गाड़ी को ऐसे उठाने जाएंगे तो हम तो उठा नहीं पाएंगे, बट कार जैक की मदद से हम लोग लेस एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को हम लोग उठा सकते हैं, राइट. सो अ जैक इज यूज टू लिफ्ट अ कार एंड अ बार इज यूज टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन. अ स्पेड इज यूज टू टर्न द सॉइल. पुलीज आर यूज टू लिफ्ट अ हैवी लोड एंड अ व्हील बैरो इज यूज टू कैरी अ लोड. इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द एफर्ट इज मच लेस देन द लोड, सो द मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. सो फंक्शंस एंड यूज ऑफ सिंपल मशीन हम लोग पहला करेंगे. सो यू कैन राइट डाउन फंक्शंस एंड यूज ऑफ सिंपल मशीन्स. So functions and use of simple machine. So first, अगर हम लोग ये करते हैं first use as a force multiplier. Force multiplier में क्या होता है basically effort is much less than the load. So lifting a heavy load, lifting a heavy load by applying less effort. By applying less effort. So this is force multiplier. एग्जाम्पल्स कर सकते हो कार जैक, ठीक है, उसके अलावा पुलीज,
व्हील बैरो एक्सेट्रा। सो ये पहला यूज हो गया हमारा, ठीक। डन बच्चों, लिख लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। कभी कभी क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सही जगह पे नहीं है, तो मतलब इनकन्वीनियंट पॉइंट पे, तो उसको अगर हम लोग कन्वीनियंट पॉइंट पे शिफ्ट कर दें तो हम हमारे लिए एफर्ट लगाना ईजी हो जाता है, राइट, और मशीन को यूज करना ईजी हो जाता है। सो जैसे रेयर व्हील ऑफ अ साइकिल इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग द एफर्ट ऑन द पेडल अटैच्ड टू द टूथ व्हील विच इज जॉइनिंग टू द रेयर व्हील विद द हेल्प ऑफ अ चेन। आप रेयर व्हील पे जाके पेडल लगाओगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे बाइसिकल को, राइट। तो इसीलिए बाइसिकल को बैलेंस करने के लिए आपको बीच में बैठना होगा और वहां पे आपको पेडल को मूव करना होगा। तो अब एक्चुअली में लेकिन वो तो रेयर व्हील को मूव कराना है, तो हम लोग पैडल को मूव करते हैं और वहां पे टूथ्ड व्हील लगा रहता है जिसके साथ चेन के साथ रेयर व्हील भी अटैच रहता है। तो जब हम आगे वाले मतलब जब हम पैडल को रोटेट करते हैं तो हमारा जो साथ में टूथ्ड व्हील भी रोटेट होता है और साथ में चेन जो है मूव करता है और वो पीछे वाले व्हील को भी रोटेट करता है। तो यहाँ पे कन्वीनियंट पोजिशन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, सिंपल मशीन, ये एक सिंपल मशीन हो गया विच इज shifting the effort, application of effort, point of application of effort to a convenient point, right? So, ye second function ho gaya, in changing the point of application of effort to a convenient point. So, second function is in changing the point of application of effort to a convenient point. So in changing the point of application of effort to a convenient point, example, okay. In a bicycle, the point of application of effort is changed from pedal this chain from pedal to the rear wheel. Clear, bachcho? Yes. Yes. Now, third point pe agar hum log aaye, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। ये तो अभी तुरंत हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, पुली के केस में ऐसा होता है, वेयर वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। अगर देखो पुली नहीं रहता तो हम लोग नीचे से जो वेल से अगर वाटर निकालना है बकेट के थ्रू, तो हम लोग को ऐसे नीचे से खींचना पड़ेगा, राइट, विच इज वेरी इनकन्वीनियंट। और अगर पुली के वजह से क्या होता है, एफर्ट अब नीचे लगाना पड़ता है, तो उसमें फायदा क्या होता है कि आप अपना वेट भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर आप खींच नहीं पा रहे हो तो खुद ही लटक जाओ, आपके वेट की वजह से भी वो नीचे आ जाएगा, राइट। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू पुल इट डाउन, यू कैन यूज योर वेट टू पुल इट डाउन टू अप्लाई दैट एफर्ट। सो एफर्ट अगर कन्वीनियंट डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव कर लें तो इट इज इजियर टू ऑपरेट दैट मशीन एंड द आउटपुट इज ऑल्सो बेटर। सो
थर्ड पॉइंट इज इन चेंजिंग द थर्ड फंक्शन इज इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट. Changing the direction of effort to a convenient direction. Example, pulley. So with the help of a pulley, we change the direction of application of effort. क्लियर बच्चों? यस सर. फोर्थ वाला है फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड दैट इज ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट. देखो मतलब अगर हम एफर्ट को थोड़ा सा मूव करें, हमारा जो जो लोड है उसका ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए. ये कहा हम लोग कहते हैं सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स में. पेयर ऑफ सीजर्स में आप थोड़ा सा इतना सा मूव करते हो और सीजर्स क्या इतने दूर तक काट देता है ना. इट कट्स द पेपर. जितना बड़ा सीजर है उतने दूर तक कट कर देगा. आप इतना मूवमेंट करोगे और वो सीजर्स आगे काटता चला जाएगा. तो स्पीड आप देखोगे यहाँ पे गेन इन स्पीड मिल रहा है. एफर्ट जितने स्पीड से लगा रहे हैं लोड उतने ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं. फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड दैट इज ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड इन द सेम टाइम बाय अ स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट. एफर्ट इज मूव्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड द लोड इन द सेम टाइम इज मूव्ड बाय अ लार्जर डिस्टेंस एंड दैट्स व्हाई वी से दैट द और सेम टाइम में दोनों मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा जो ट्रेवल करेगा सेम टाइम में उससे क्या बोलेंगे कि स्पीड इंक्रीज कर गया. तो लोड का स्पीड इंक्रीज हो रहा है एफर्ट के स्पीड से. इसको हम लोग गेन इन स्पीड कहते हैं. सो व्हेन अ पेयर ऑफ सीजर्स इज यूज्ड टू कट द क्लोथ इट्स ब्लेड्स मूव लॉन्गर ऑन अ क्लोथ व्हाइल इट्स हैंडल्स मूव्स अ लिटिल. सिमिलरली द ब्लेड ऑफ अ नाइफ मूव्स लॉन्गर बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स हैंडल हियर द एफर्ट इज मोर देन द लोड. तो यहाँ पे गेन इन स्पीड हम लोग बोलते हैं. तो फोर्थ जो हमारा एप्लीकेशन था फंक्शन या यूज ऑफ सिंपल मशीन. सो फोर्थ वन इज फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड so for obtaining a gain speed bracket mein likh lo greater movement just a second. सॉरी बच्चों, सो ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय अ स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट. सो दीज आर द फोर फंक्शंस एंड यूज ऑफ अ सिंपल मशीन. पहले एक गेन इन स्पीड में के लिए यूज होता है.
दूसरा इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, फिर यू नो टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, और फर्स्ट वाला जो था एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. तो ये चारों फंक्शनैलिटीज आपको याद करनी है और सारे के एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने हैं. फोर्थ वाले का एग्जाम्पल पेयर ऑफ सीजर्स होगा. फोर्स के ब्रैकेट्स में क्या लिखा है? ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट. कबीर कहाँ था भाई? कल भी नहीं था, कहाँ चला गया था? सर कल मैं भूल गया था क्लास. वाह, ओहो, छुट्टी थी ना सर, तो मुझे लगा कि 31 तारीख को कौन खोलता है. खोलेगा तो 1 तारीख को खोलेगा, तो मतलब सर जो है पता नहीं क्या सच दिमाग में आया सर के, सर ने खोल दिया. अदरवाइज तो 1 तारीख को ही खुलना चाहिए था, है ना कबीर? नहीं, अबे बोल देगा तो कोई ऐसा बुरा तो ना मानूंगा मैं. कुछ बच्चे कह रहे कि हमारे बोर्ड का आंसर. तुम ना फालतू इन सब न्यूज सब मत सुना करो बालक, तुमको पिटाई लगाएंगे समझे. और तुम ऐसे ऐसे बच्चा सबसे बात मत किया करो. तुम्हारा सब सब जो तुम्हारा जो आसपास का जो है ना तुम्हारे दिमाग को पोल्यूट करता जा रहा है, इसीलिए तुम ऐसे हो. ऐसे तुम हो जिसने बोला था वो खुद ही नाइन्थ में है. पागल है वो, तुम समझ जाओ. फिर तो तुमको एकदम ही चाह रहा है कि कुएं में धकेल देने. डोंट गेट इनटू हिज ये सब लॉजिक एंड एवरीथिंग. भैया 1 साल हो गया जिंदगी, हर साल थोड़ा ना कैंसिल होगा, है ना. एवरी ईयर वी विल नॉट हैव पेंडेमिक, और वी शुड गो एंड से चाइना दैट यार अगले साल कोविड 21 डाल दो. 19 तो हो गया, अब 21 डालो. Anyways, the scientists are saying that there will be COVID-26 and COVID-36. I don't know what. So, अब तुम तो तब तक 26 तक 12 पास कर जाओगे, तो तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट क्या है? चलो, लिख लिया सबने? मन लगा के पढ़ाई करो, और खासकर इंटरनल सीरियसली दो. पिछली बार की तरह गलती मत करना. पिछले बार के बच्चों को मैंने बोला था इंटरनल सीरियसली लेने, उन्होंने लिया नहीं है. अब जो सारे मार्क्स इंटरनल्स पे ही जुड़े, तो टीचर्स पे मस्त बटर लगा के रखो, मोटा लेयर. यस सर, यस मैम, यू हैव टू बी इन गुड बुक्स ऑफ टीचर्स. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मतलब ठीक है, ऐसे हंसने हंसी वाली ही बात है, लेकिन यू हैव टू बी इन गुड बुक्स ऑफ द टीचर. अनवी इज देयर इन गुड बुक्स. अदर्स ऑल्सो, खासकर उपमन्यु, तू तो अपना इतना सब जो है ना बढ़िया कर ले अपना सबके साथ, टीचर्स के साथ. क्लास में बहुत ध्यान देता हूं. हां, समझ आ रहा है. सारे टीचर तुम्हारा बहुत बढ़ाई भी करते हैं, है ना. तो इसीलिए प्लीज उसको थोड़ा रेपुटेशन ठीक करो अपना. 1 साल है तुम्हारे पास. आकांक्ष, तुम क्लास में थोड़ा बोला करो, तुमको जितना आता है उतना बोला करो. नहीं बोलोगे ना तो पीछे भीड़ में छुप जाओगे, फिर तुम्हारे नंबर भी उसी हिसाब से ये लोग दे देंगे. ठीक है आकांक्ष, स्कूल खुलेगा ना तो ट्राई एंड स्पीक जितना बोल सके. शर्माना नहीं है ज्यादा, बी एन एक्सट्रोवर्ट. उसी को नंबर मिलेंगे जो बोलेगा क्लास में. मतलब उठपटांग नहीं, काम का चीज. कबीर कैमरा ऑन कर भाई. चलो, 4 फंक्शन हो गया. अब हम लोग मशीन का डेफिनेशन इसी फंक्शनैलिटीज पे पढ़ेंगे. मशीन का डेफिनेशन क्या कहता है? मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स और एफर्ट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन और बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड. तो तुम आइडियली देखो, ये चारों जो फंक्शन है ना उसको जोड़ दिया गया और उसको बना दिया गया उसका डेफिनेशन, है ना. पहला क्या था हम लोगों का? फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म में. तो वो पहला वाला पॉइंट वही कह रहा है, ओवरकम ए लार्ज रेजिस्टिव फोर्स बाय अप्लाइंग ए स्मॉल एफर्ट, राइट, एट अ कन्वीनियंट पॉइंट. वहां पे कह रहा था ना कि पॉइंट कन्वीनियंट पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं. इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, वो भी है डिजायर्ड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो. और फिर लास्ट क्या कह रहा है? बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड. तो अगर आप चारों फंक्शनैलिटीज को ऐड कर देते हो तो अपने डेफिनेशन मिल जाते. ये डेफिनेशन याद करना है आपको लिख के, ठीक है. यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. आई डोंट वांट टू राइट इट, राइट इट ऑन योर ओन. ओके, सो मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड
at some point by applying a small force or effort at a convenient point and in a direction, desired direction, or by which we can obtain a gain in speed. Now, note that a machine cannot be used as a force multiplier as well as speed multiplier simultaneously. Either you can use it as force multiplier or you can use it as speed multiplier. Dono saath mein kaam nahi karega. Matlab both the functionalities will not be done at a time, right? It can either act as a force multiplier or act as a speed multiplier. For a machine used as a force multiplier, effort is less than load. While for a machine used for obtaining gain in speed, effort is greater than load. Okay? तो जब गेन इन स्पीड होगा तो एफर्ट ज्यादा होगा लोड से, और जब गेन इन फोर्स होगा बेसिकली, राइट, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर के तरह जब यूज करेंगे तब एफर्ट इज लेस देन लोड. नॉट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन. सबसे पहले हम लोग लोड शुरू से सुन रहे हैं, क्या है लोड. सो द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड द लोड, राइट. सो व्हाट इज लोड? The resistive or opposing force to be overcome by a machine is called the load. Right? Effort kya hai? The force applied on the machine to overcome the load is called the effort. Force applied on the machine to overcome the load is called the effort. Effort ko E se represent kar rahe hain, load ko L se represent kar rahe hain. फटाफट हम लोग load और effort का ये definition लिख लेते हैं. मशीन के लिए जगह छोड़ लीजिएगा, अपने इसमें खुद से लिख लीजिएगा. लोड क्या है? द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन is called the load. Load को हम लोग L से represent करते हैं, capital L. Second है effort. The force applied on the machine to overcome the load is called the effort. इसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तीसरा है मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट. सो द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन. सो मैकेनिकल एडवांटेज इज the ratio of the load to the effort the ratio of the load to the effort is called the mechanical advantage. सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अगर हम लोग करते हैं,
मैकेनिकल एडवांटेज को MA से लिखते हैं, इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट विच इज इक्वल टू L अपॉन एंड बच्चों लिख लिया? यस। सो व्हाइल यूजिंग द मशीन टू ऑब्टेन अ सर्टेन लोड इफ द एफर्ट नीडेड इज लेस देन द लोड द मशीन हैज द मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन। तो अभी कह रहा है अगर एफर्ट इज लेस देन लोड, तो आप ये देखो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। अगर एफर्ट लोड से लेस है, एफर्ट इज लेस देन लोड, इसका क्या मतलब हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन इफ एफर्ट इज लेस देन लोड, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन वन। और जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, एफर्ट लोड से कब कम होता है? जब ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज होता है। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है तो ये मशीन कैसे यूज होगा? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, दिस विल बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, राइट? सो इफ एफर्ट इज लेस देन लोड, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन वन एंड दिस मशीन विल बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्लियर है बच्चों? Yes. लिखते जाओ। सो इफ एफर्ट इज लेस देन लोड देन मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन वन एंड दिस मशीन कैन बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। So machine has the mechanical advantage. So while if it needs an effort greater than the load, it has the mechanical advantage less than one. Effort कब ज़्यादा होता है load से? जब ये speed multiplier के तरह use होता है, right? Force multiplier के तरह gain in speed के लिए जब use होता है, then we say that the effort is greater than load and mechanical advantage is less than one. So now सेकेंड, पहला तो लिख लिया हम लोगों ने। सेकेंड, इफ एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन वन, दिस इंप्लाइज द मशीन acts as speed multiplier. Or it provides gain in speed. तीसरा, इफ एफर्ट इज इक्वल टू लोड, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन। सो इफ यू सी दिस,
A machine has the mechanical advantage equal to one if the effort needed is equal to load. A machine having the mechanical advantage greater than one act as force multiplier, while the machine having mechanical advantage less than one gives the gain in speed, and the machine having a mechanical advantage equal to one is generally used to change the direction of effort as there is no gain in force or speed. So, jab mechanical advantage one hota hai, so this the machine is used to change the direction of effort. The machine is used to change the direction of your convenient direction. Clear, bachcho? Yes. Yes, sir. So, teen case liya humne pehla, effort is less than load, our mechanical advantage was greater than one, and the machine act as a force multiplier. When effort is less, greater than load, mechanical advantage is less than one, the machine acts as a speed multiplier or it provides gain in speed. And if effort is equal to load, their mechanical advantage is equal to one. The machine is used to change the direction of effort to a convenient direction. Clear, bachcho? Yes, sir. Likh bhi liya na sabne? Now, unit, since mechanical advantage is the ratio of two similar quantities, dono force hi hai, effort or load, dono force hi hai. And mechanical advantage is the ratio of effort and load, that is force upon force. So, yahan pe it will be a unitless quantity. There will be no unit of this. It will be a pure number because it is a ratio. So, since mechanical advantage is the ratio of two similar quantities, that is force, so it has no units. Ab hum log aate hain velocity ratio pe. The ratio of velocity of effort to velocity of load is called the velocity ratio of machine. So, velocity ratio जैसे mechanical advantage है वैसे ही velocity ratio एक physical term है. The ratio of velocity of effort so the ratio of velocity of effort to the velocity of load is called the velocity ratio of machine. So ratio of the velocity of effort to the velocity of load is called the velocity ratio of machine. Formula karenge, velocity ratio is equal to velocity of effort देखो mechanical advantage क्या था load by effort यहाँ उल्टा है velocity of effort by velocity of load
वेलोसिटी ऑफ एफर्ट वी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो वी। अब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अपॉन टाइम। टाइम और टाइम कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। सो वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सो अ मशीन इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल हैव अ वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 एंड सच अ मशीन गिव्स द गेन इन स्पीड बिकॉज load is moving at a faster rate. On other hand, if the velocity ratio of machine is more than 1, that is displacement of load is less than displacement of effort, the machine acts as a force multiplier. The velocity ratio of a machine is 1 if the displacement of load is equal to the displacement of effort. Such a machine generally changes the direction of effort. तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो से भी हम लोग को पता चलता है कौन सा मशीन फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर या फिर चेंज इन डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है। सो देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वहां पे वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी रेशियो इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड विल बी लेस देन 1। सो व्हेन वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, दिस इंप्लाइज, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से ज्यादा है, मतलब दिस विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, ये गेन इन स्पीड होगा यहाँ पे। सो सच अ मशीन गिव्स गेन इन स्पीड सेकेंड इज इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड is greater than displacement of effort. So in that case, velocity ratio, sorry, displacement of load is less than displacement. So in that case, velocity ratio, displacement of effort by displacement of load will be greater than 1. Such a machine gives, such a machine act as a force multiplier.
थर्ड केस सेम एज दिस, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दैट इज वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वन, देन सच अ मशीन जनरली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. Such a machine changes the direction लिख लिया बच्चों? हाँ जी सर. यस सर. नाउ सिंस द वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट जस्ट लाइक मैकेनिकल एडवांटेज. जैसे मैकेनिकल एडवांटेज रेशियो है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, उसी तरह यहाँ पे भी ये एक रेशियो है इसका कोई यूनिट नहीं होगा. नाउ वर्क इनपुट, the work done on the machine by the effort is called the work input, right? So work input is work done by the effort. Work input is work done by the effort. Work done by the effort का मतलब work done क्या होता है? Force into displacement होता है. तो effort, force यहाँ पे क्या है? Effort है. Effort into, so this will be equal to effort into displacement of effort. Work output, this is basically work done by the machine on load. Work done by machine on load. So this is equal to load into displacement of. So efficiency is work output by work input. Efficiency of a machine is the ratio of work done on the load by the machine to the work done on machine by the effort. Efficiency is आउटपुट बाय इनपुट, कभी भी किसी चीज का एफिशिएंसी होता है. तो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इज एफिशिएंसी. वर्क आउटपुट का वैल्यू अगर तुम देखोगे दैट इज एल इनटू डीएल, और दिस वर्क इनपुट इज ई इनटू डीएल.
हमें पता है एल बाय ई इंटू डी एल बाय डी यू. एल बाय ई क्या होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है. अब इसको अगर थोड़ा सा ऐसे लिख लो एल बाय ई डिवाइडेड बाय डी बाय डी एल. डी बाय डी एल वेलोसिटी रेशियो है, एल बाय ई मैकेनिकल एडवांटेज है. सो ये क्या हो गया मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो. सो ये एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करता है. सो ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो. और मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो इनटू ईटा. लिख लिया बच्चों सिर्फ फॉर्मूला के लिखा है एम एज इक्वल टू वर्चुअल सॉरी वी आर इनटू बॉटम राइट का वी आर इनटू एफिशिएंसी ईटा. ईटा ये जो ईटा है ना ये वी आर आके इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. लिख लिया सबने? यस यस सर. तो तुम ये देखो एफिशिएंसी क्या है. एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन लोड बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन मशीन बाय द एफर्ट. सो इन अदर वर्ड एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट. इट इज डिनोटेड बाय ईटा द सिंबल. दस ईटा एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट. बट एफिशिएंसी इज यूजली रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज. सो वी मे राइट एफिशिएंसी एज वर्क आउटपुट by work input into 100. Again, because it is a ratio, it does not have any unit, since it is also the ratio of two similar quantities. Due to friction and weight of the moving parts of a machine of a given design, its velocity ratio does not change, but its mechanical advantage decreases, and so its efficiency decreases. Efficiency is never 100% because of the friction. So, अगर एफिशिएंसी को हम लोग निकालते हैं परसेंटेज में एफिशिएंसी बीटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क बच्चों. यस सर. लिख लो इसको एंड देन वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे.
इसके आगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन और लिवर वगैरह हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर।